कि कैसे हम इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे, एक डर ये भी हो जाता है। देखिए अब मैं आपको बता दूं बड़ी खबर जो आई है, तीन ऐसे एग्जिट पोल है जो कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। शुभम आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन एक बार बता दें कि देखिए अब एक्सिस माई इंडिया के जो एग्जिट पोल है वो 140 से 162 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, कांग्रेस की बात की जाए तो 68 से 90 सीट है। सौरभ ये देखिए तीन एग्जिट पोल अब हो गए, सीएनएक्स, एक्सिस माय इंडिया और टुडेज चाणक्य, ये तीनों ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। एक्सिस माय इंडिया 140 से 162 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को दे रहा है भाई, कांग्रेस को 68 से 90 सीटें और 0 से 3 सीटें अन्य को। टुडेज चाणक्य का सबसे ज्यादा आंकड़ा यहां पर भी है बीजेपी के लिए, लेकिन 140 से 162 सीटें जो है एक्सिस माय इंडिया का, ये आंकड़ा भी कम नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस को देख लीजिए 68 से 90 सीटें, यानी कि यहां पर पूरी तरह से बहुमत से बीजेपी की सरकार एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बना रहा है। ये बड़ी बात है क्योंकि सौरभ देखिए अगर ये तीन आंकड़े, तीन एग्जिट पोल सही बैठते हैं तो बीजेपी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। शुभम भी हमारे साथ है। शुभम जिस तरह से एक्सिस माई इंडिया, सीएनएक्स, टुडेज चाणक्य, अब तीन एग्जिट पोल ऐसे हो गए जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, और थोड़ा बहुत नहीं, एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य तो बड़े अच्छे अंतर से सरकार बना रहा है। ये तो दो सर्वे कम से कम थोड़ा तो चौंका रहा है। जैसे कि शुभम ने पहले भी बात कही कि खुद भाजपा के नेता भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनको इतना बड़ा बहुमत मिल सकता है। शुभम के वहां के क्षेत्र के नेता उनसे बात होती रहती है, मगर मध्य प्रदेश में फिलहाल दो एग्जिट पोल ऐसे हो गए जो बीजेपी को बंपर बहुमत दे रहे हैं। बीजेपी को 162 तक सीटें मिलने का अभी आया है, मैं देख रही हूँ नरोत्तम मिश्रा काफी खुश नजर आ रहे हैं, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जबकि देखिए मैं आपको बता दूं, मैं खुद दतिया से आती हूँ और जो ग्राउंड मतलब जो लोग वहां के हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बार अभी तक जो बात कह रहे थे वो कह रहे थे कि इस बार ना गृह मंत्री का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी कंफ्यूजन था, थोड़ा सा डाउट था। लेकिन अब जो मैं आपको देख रही हूँ नरोत्तम मिश्रा का चेहरा अलग ही हिला हुआ है, उत्साह में वो नजर आ रहे हैं, और यही हाल बीजेपी के और नेताओं का भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि तीन एग्जिट पोल ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। 162 सीटें मिलना मतलब बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा ये जो है एक्सिस माई इंडिया का है। 140 से 162 सीटें सीधा एक्सिस माई इंडिया दे रहा है बीजेपी को मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस को यहाँ सिर्फ 68 से 90 सीटें मिल रही हैं। इससे पहले टुडेज चाणक्य का जब एग्जिट पोल हम आपको बता रहे थे तो साफ तौर पर लोग कह रहे थे नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। जबकि शुभम जब हमने आपसे शुरुआत की थी आपने भी कहा था कि बीजेपी के खुद के नेताओं को ये भरोसा नहीं है, लेकिन अब तो तीन ऐसे एग्जिट पोल हो गए हैं सीएनएक्स, एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य कि जो बीजेपी की अच्छी से सरकार बना रहे हैं मध्य प्रदेश में। शुभम जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा होता है अंजलि तो ये वाकई में चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि वही बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, फंस गया है चुनाव, मुश्किल है। बीजेपी खुद जानती है कि इतनी जो जोर आजमाइश उन्होंने की है, इतने बड़े बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में उतारा है, तो ये तो साफ संकेत है कि वो अगर 7 सीटों पर उतारा है तो वो चाहते हैं कि अगर पिछली बार जैसा 109 पर आ गए तो हमें ये 7 सीटें कम से कम हमें वो ताकत दें कि हम उस बहुमत तक जा पाए, 116 तक कहीं भी मामला, एक एक सीट महत्वपूर्ण है। मगर 150 के पार अगर बीजेपी जा रही है, देखिए 2013 का जो चुनाव था उसमें 163 सीटें बीजेपी को मिली थी, तो उस समय भी अगर आप देखें तो 10 साल बीजेपी की सरकार को हो चुके थे। 2003 के चुनाव में जब दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार गई और उमा भारती के नेतृत्व में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो 173 सीटें 230 में से बीजेपी की आई थी, और उसके 10 साल बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 163 आती है। कांग्रेस उस वक्त 58 सीटों पर सिमट गई थी। तो इस बार भी अगर उस तरह की कोई चीज होती है तो फिर कहीं ना कहीं श्रेय की अगर जब बात होगी तो शिवराज सिंह चौहान पर अगर हार का ठीकरा है तो फिर जीत का सेहरा भी उन्हीं पर जाएगा कि चलिए लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट रहा। और देखिए वोटिंग परसेंट भी बढ़ा है इस बार। अब पिछले अगर आप आंकड़े देखेंगे जब जब वोटिंग परसेंट बढ़ा है तो उसका फायदा विपक्ष को हुआ है, मगर अब अगर वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है और उसमें भी महिलाओं का वोटिंग परसेंट बढ़ना, तो कहीं ना कहीं फिर ये सीधा करंट जो है वो लाडली बहना का दिखाई देगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ता नजर आया तो लोगों ने यही कहा कि इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है। लाडली बहना योजना को एक गेम चेंजर माना जा रहा था, लोग मान रहे थे कि अगर एक अंडर करंट पैदा होता है इसके जरिए तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा इसका हो सकता है। कम से कम एग्जिट पोल्स तो इस तरह इशारा कर रहे हैं कि हाँ भाजपा को, दो एग्जिट पोल ऐसे आ गए हैं जहां पर बीजेपी 150 का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है।
जाहिर सी बात है कि मैं भी मध्य प्रदेश गया था और वहाँ मैं बहुत समय तो नहीं गुजारा, करीब 10-11 दिन गुजारे और हॉट सीट्स पे गया, तो भाजपा और कांग्रेस के बीच अच्छी फाइट नजर आ रही थी और कई ऐसे सर्वे से जहां कांग्रेस को एज भी बताया जा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं लगता था कि कांग्रेस जो एक लंबे समय से सत्ता से बाहर है, बीच में एक 16-17 महीने का टर्म आया था जब उसको मौका मिला था, पिछली बार का अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 114 सीटें कांग्रेस की थी और 109 सीटें बहुत ही कम, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो उसमें भाजपा कुछ परसेंट से आगे भी थी वोटिंग परसेंटेज की अगर यहाँ से बात करेंगे, तो भाजपा कभी भी मध्य प्रदेश में गेम से बाहर नहीं हुई थी। इस बार भी ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को एज है मगर भाजपा गेम से बाहर नहीं हुई है और भाजपा ने कहीं ना कहीं वापसी की है, जैसे जैसे चुनाव करीब आता गया वैसे वैसे बीजेपी वापसी करती गई इस चुनाव में। भविष्य आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव के आंकड़े एकदम जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो कुछ कुछ बदलते नजर आ रहे हैं जी, है ना। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं और जो आंकड़े दिखा रहे हैं, और अब एक्सेस माई इंडिया का भी जो आंकड़ा आया है, वाकई जैसा चर्चा भी चल रही थी सौरभ कि भाई बीजेपी नेता भी शायद उम्मीद ना कर रहे हो कि इतना बड़ा थंपिंग मेजोरिटी उनको मिलती दिखाई देगी एग्जिट पोल।